हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आइए देखते हैं भाई निक के जीवन की ओर और उनके द्वारा की गई परमेश्वर की सेवकाई। मैं विश्वास करता हूं कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है यह उसका भाग है। और किस प्रकार की योजनाएं हैं, सचमुच इस वक्त मैं परमेश्वर की महिमा को मेरे हाथ पैर न होने के वजह के संघर्ष के द्वारा देख सकता हूं। वास्तव में हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं वो पवित्र शास्त्र की उत्तम गवाही है देने के लिए। हाँ, हमारे फल द्वारा जिस तरह से हम जीते हैं सारा संसार देखता है। यीशु हमारे जीवन में है, जिस तरह से हम हैं जीते हैं, और मेरा मतलब है मैं बाहर भी जाता हूँ। आप जानते हो, बाहर मेरी मुस्कुराहट से भी मैं लोगों को छू लेता हूँ। हाँ, तब सोचो कि ये जानना जरूरी है कि हम खुले मन से परमेश्वर को अपना उपयोग करने दें और उसकी योजना जो हमारे जीवन के लिए है। मेरी ये चाह है कि मैं बिना सहारे और सामान्य जिंदगी और पूरी जिंदगी जीऊं, यही मेरा सपना है। मैं वाकई सारी समस्याओं को बाहर रखकर जीना चाहता हूं और भरपूरता से मैं ये करने जा रहा हूं। हाँ, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मेरा मतलब है मैं नई चुनौती से प्यार करता हूं। हाँ, आप जानते हैं, मेरा मतलब है ये भी एक चुनौती थी कि मैं अपना काम करूं, जैसे कि अब मैं अपने दांतों को खुद साफ करता हूं और ऐसे बहुत से काम, तो मुझे बड़ा आनंद आता है इन सब बातों में। और कभी कभी मैं नाराज हो जाता हूँ, हाँ कभी कभी मैं निराश हो जाता हूँ, पर इन सब से ऊपर मेरा उद्देश्य है कि मुझे जिंदगी जीनी है और नई चुनौतियों से मुझे कोई नहीं रोक सकता। करने के लिए हमें पहले देखना है कि हम कहाँ हैं और रुकावटें क्या हैं। हाँ, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बदल नहीं सकती, और रुकावटें मेरे जीवन में हैं। उनमें से कुछ तो मेरे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे जन्म मेरे हाथ पैर नहीं हैं, और यही बड़ी रुकावट है। इस रुकावट से उभरने के लिए आपको जानना है कि आप कहाँ हैं, और अपने आप को देखना है उस रुकावट से उभर कर, ताकि हमें सच्ची चीजें दिखाई दें कि हमारे पास क्या है और हमारा सबसे अच्छा गुण क्या है। और कभी हार ना माने, मेरा मतलब है उभर जाना। आप जानते हैं, बड़ी समस्या जिससे हमें पहली बार उभरना है, स्वाभाविक है। हाँ, पर जब हम गिर जाते हैं परमेश्वर आता है और हमें फिर से उठाने के लिए सामर्थ्य देता है।
Hey, इस सुबह आप लोगों के साथ होना एक सौभाग्य है। आज सुबह हम आनंद मनाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर तुम्हारे दिल को भी छू लेगा। मुझे आकर्षण का केंद्र बनना पसंद है, इसलिए मैं आज की शुरुआत तुम्हारी कलीसिया में टेनिस बॉल फेंकने के द्वारा करूंगा। मुझे टेनिस बॉल और फुटबॉल खेलने में बड़ा आनंद आता है। रेडी, कैच कैच। ओ, मेरी ओर वापस मत फेंकना क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, हम शुरू करते हैं। प्यारा है, अच्छा कैच, अच्छा कैच। हाँ, मेरा जन बिना हाथ पैर के हुआ और मेरे माता पिता सारी उम्र समर्पित मसीही थे और फिर मैं आया, ये जैसे कि उनके विश्वास की परीक्षा थी। देखो, जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक मेरे पिता को यह मालूम नहीं था कि मैं बिना हाथ पैर के जन्म लूंगा, और ये अजीब था क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था कि ये क्यों हुआ। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि प्रभु मेरे माता पिता से प्यार करते तो उनके साथ इतना बुरा क्यों होने दिया, क्यों? और आप जानते हैं, याकूब 1:2 कहता है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ मेरे माता पिता के आखिरी दो शब्द थे, प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है कि माँ अपने पहले बच्चे को व्याकुल होकर कैसे उठाती है? ठीक है, जब मुझे मेरी माँ के पास रखा गया तब सोचो उसने क्या कहा, इसे दूर ले जाओ। ये बहुत ही दुखद घटना थी। क्या पूरा आनंद? आज मैं आपसे बांटना चाहूंगा परमेश्वर के सारे वादे और वे कारण जो मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, और परमेश्वर का आनंद मुझ में है। अगर आपके पास बाइबल है तो यिर्मयाह का 29वां अध्याय खोलें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, जैसे मैं बड़ा हो रहा था मैं चाहता हूं कि आप समझें मैं कैसी जिंदगी जी रहा था, और यह सिर्फ मेरे माता पिता के लिए ही कठिन नहीं बल्कि मेरे लिए भी कठिन था। मुझे 24 घंटे देखभाल की जरूरत थी। आपको कितनी बार अपने हाथ पैर की जरूरत होती है? लगभग हमेशा। उसी तरह मुझे भी किसी की जरूरत थी, और मैं खुद एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता था। मैं अपने आप खाना भी नहीं खा सकता था। मेरा मुंह, आप जानते हैं, उस आइसक्रीम के अंदर, आप जानते हैं, मैं पूरा गंदा हो जाता था। इसी वजह से मुझे हमेशा किसी की जरूरत रहती थी। इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जानते हैं, जब कोई मुझे टॉयलेट ले जाता था, सोचो आपके माता पिता आपको टॉयलेट ले जाते हैं जब आप 11-12 साल के हैं, और ये थोड़ी शर्मनाक परिस्थिति थी, क्यों है ना? मगर मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, पर मुझे इन सब की जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं मेरे खुद के माता पिता पर बोझ हूं। मैंने माँ से कहा कि आप लोगों के चले जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा? देखो, मुझे कोई भविष्य या आशा नहीं दिखाई देती। मुझ में ऐसा विश्वास नहीं था कि कोई भी लड़की मुझे पसंद करके मुझसे शादी करेगी। हर किस नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी कुंवारा हूं। मगर वाकई हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब ये अच्छी वाचा है, पर हम ऐसे क्यों नहीं हैं हमेशा? क्योंकि हमारी आशा और भविष्य जो अब हो रहा है उस पर निर्भर है। मैं जानता हूं कि आपके इतर की बोतल खत्म हो जाती है, नाखून टूट जाते हैं, आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें, आप निराश हो जाते हैं। मगर बड़ी बातों में भी क्या हंसने वाली बात नहीं है? जैसे कि आप मदद मांग रहे हो और वो तुम्हें उत्तर नहीं देता। ठीक है, मैं आपसे ये वचन कुछ क्षणों में बांटना चाहूंगा, पर क्योंकि मैं वाकई ध्यान चाहता हूं, मैं कुछ और दिखावा करना चाहता हूं। ठीक है, स्कूल में मैंने अपने पैर से लिखना सीखा। ये एक सामान्य पेन है जो प्लास्टिक होल्डर में मेरे पैर में है। लिखना अच्छा लगता है, चित्र बनाना अच्छा लगता है। मैंने कंप्यूटर में टाइप करना भी सीखा, एड़ी अंगूठे से करीब 43 शब्द एक मिनट में। अच्छा है। ये एक पेचीदा बात है। ठीक है, मुझे मेरे मित्र को फोन करना है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आपकी चेतावनी के लिए ये शायद पहली बार मैं नहीं होगा, मगर क्या होगा जब हम असफल होंगे? फिर से शुरू करते हैं। क्या होता है जब हम असफल होते हैं? कोशिश करो। बहुत अच्छा, चलो शुरू करें। ध्यान दें, देखिए। हे, ये अच्छा था।
जैसा कि आपने पहले देखा, मेरी व्हीलचेयर, मेरी मर्सिडीज। आप गोल गोल घूमना, आगे पीछे जाना, वाकई बहुत मजा आता है। अच्छा है। खैर ठीक है, वापस कहानी पे आता हूँ। दिखावा बहुत हुआ, ठीक है। ये कठिन था, कभी कभी ये बहुत कठिन था, और ऐसी अनगिनत चीजों की सूची में जो नहीं कर सकता था, जो मेरे पास नहीं था। और मैं सोचता था कि मैं ही क्यों। जैसे कि मैं बाहर जाता था और लोगों की ओर देखकर परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर, आपने इन्हें क्यों नहीं चुना? देखो वो ऐसे लग रहे हैं कि वो इसे झेल सकते हैं, मैं नहीं झेल सकता। मैं कभी कभी कठोर हो जाता था। मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता था 10 साल की उम्र में ही। मैं कुछ नहीं देख पाया, लेकिन वो सब बातों में से जो मैं नहीं कर सकता था, आप जानते हो सबसे दुखद ख्याल क्या था? जब मैं समंदर के किनारे जोड़ों के हाथों में हाथ डाले देखता था, जानते हो मैं क्या सोचता था? मैं ये सोचता था कि मैं अपनी पत्नी का हाथ कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं कभी भी अपने बच्चों को अपनी बाहों में नहीं ले सकूंगा, आप जानते हैं मैं उन्हें रोने पर चुप भी नहीं करा सकूंगा, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं मेरी पत्नी को कार में नहीं बैठा सकता, आप जानते हैं, मेरी बाजू में, और हम समंदर के किनारे जाएं और लहरों से खेलें और मैं उसके बालों में रेत डालूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये छोटी बात है मगर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और ये कठिन था। अब मसीही परिवार में बड़ा होना, संडे स्कूल में सीखना कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, पर मैं एक वचन पर थम गया जो कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें उसके स्वरूप में बनाया है। सही है, हाँ, मगर मैं उलझन में था क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में मुझे बनाया था और वो मुझसे प्यार करता है। अगर मेरे जन्म पर उसका पूरा नियंत्रण है, मुझे पता चला क्यों उसने मुझे ऐसा बनाया और मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा, परमेश्वर साबित करके तू सच्चा है और तूने मुझे बनाया और तू मुझसे प्रेम करता है, क्यों मैं ही क्यों? परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। सालों साल आप उबते नहीं जब ईश्वर तुम्हें जवाब नहीं देता। आइए हम उस वचन को फिर देखें, क्या होता है जब आप कुछ मांगते हो और नहीं पाते, और आप कुछ खोजते हो और नहीं मिलता। यिर्मयाह 29:12 कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे अपने पूरे हृदय से, जब तुम मुझे पुकारोगे और ढूंढोगे, जब तुम पुकारोगे और ढूंढोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा, यही प्रभु की वाणी है। अब वो मुझे सुनना क्यों नहीं चाह रहा था? ऐसा है, जिंदगी के उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, और उस उतार के समय में आप सच में जानते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, और एक कारण है कि उसने आपको अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। आज सुबह आपको मैं बता दूं कि किस्मत, मौका या संयोग ऐसा कुछ नहीं होता कि आज इस सुबह आप यहां हो और आपके संघर्ष, परेशानी और चिंताएं जो आज हैं, ये परमेश्वर से हैं, मानो या ना मानो। क्यों वो हमें संघर्ष में ले जाता है और हमें परेशानियों में डालता है ताकि हम मजबूत हो सकें और हम उसके करीब आएं और उसमें बढ़ें। सभी बातों में उसका मकसद है। रोमियो में प्रेरित पौलुस कहता है, जो महिमा उसने हमारे सामने प्रकट की है, उसके सामने ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। रोमियो 8:28 कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भराई ही उत्पन्न करती हैं। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं कि परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा सिवाय कि उसका भला मकसद हो? फिर आप मुझे देखकर कहेंगे, इसमें से भलाई की कौन सी बात आ सकती है? ओह, सोचो। मैं इसे अपने दो हाथों से पकड़े रखता हूं, मेरा मतलब वाकई हम इस पे थोड़ी देर के बाद जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का अब तक उत्तर नहीं दिया। उसने अब तक आपको इन सारी परेशानियों से नहीं छुड़ाया, क्योंकि वो हमारे हृदय को मजबूत कर रहा है और उसे तैयार कर रहा है और उसे सिखा रहा है। उस पर भरोसा करो। नीति वचन 3:5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो। पर देखो, मैं तुमसे यहां ये सब कह सकता हूं और अगले हफ्ते तुम उदास हो जाओगे। अरे,
मेरी कार खराब हो गई। देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप घर जाओ और मेरे बारे में सोचो कि मैं सिद्ध मसीही हूँ, क्योंकि मैं अच्छा मसीही नहीं। जो कुछ आप मुझ में देख रहे हैं वो एक मसीह होने के नाते वो परमेश्वर है। जो कुछ मुझ में अच्छा है वो कुछ नहीं, बकवास, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं। पर ये जो चुनौती आप मुझ में देख रहे हो, जो मुझ में है, वो इसलिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले। और शैतान जैसे मेरे पास आता था और कहता था कि नीक मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और शायद जब तुम बेहतर बनो तब ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। मुझे लगा शायद मैं धीरे से प्रार्थना करूं और बार बार दोहराऊं तो शायद परमेश्वर जी सुनेगा। जरा बाइबल खोलो, चिंता मत करो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर ये कहता है, तुम परमेश्वर को कब पाओगे? जब तुम उसे खोजते हो अपने पूरे हृदय से, वो आपको मिल जाएगा। प्रभु घोषित करता है कि तुम उसे पाओगे, बस उसकी खोज करते रहो। वो आपकी सारी बातों को जानता है, तुम्हारी भावनाओं से पहले वो तुम्हारी प्रार्थना को जानता है। वो तकलीफें जिससे आप गुजर रहे हो उसे पता है, वो आपके दिल की इच्छाओं को जानता है, और यही वो जीवित बलिदान है जो हमें देना है। इसका मतलब क्या है? जब तक मैं मेरी इच्छाओं को, परेशानियों को, चिंताओं को, निराशाओं को, अपनी नाराजगी को, या अपने मकसद को और अपने सपनों को, ख्वाहिशों को, इच्छाओं को डाल ना दूं यीशु मसीह के चरणों में। पर मैं अब भी उलझन में था, क्योंकि यदि परमेश्वर इतना अच्छा है और सिद्ध है, मेरे लिए योजना है, तब उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो मेरे साथ क्या कर सकता है? आप भी शायद ऐसा सोचते होंगे, मैं वो सब भी बताऊंगा। मगर जब मैं 15 साल का हुआ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हम यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय बाबिल क्लास में देख रहे थे, और वहां पर यीशु चेलों के साथ एक जन्म से अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं। चेलों ने यीशु से पूछा कि ये आदमी जन्म से अंधा क्यों है? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? ताकि परमेश्वर का कार्य इसके द्वारा प्रकट हो जाए। अब 15 साल की उम्र में मैं ये समझ नहीं पाया। हम पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। यीशु ने मिट्टी में थूका, उसे साना, अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, आंखों को अभिषेकित किया, उसे नदी में धोने को कहा, और देखो क्या हुआ, वो आदमी फिर से देखने लगा। प्रभु की स्तुति हो। अब यहाँ पर भीड़ की प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ फरीसियों की प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। और मैं आपसे कहता हूँ, और 100% विश्वास से कहता हूँ, कि अगर कोई ये चमत्कार देखता है तो कम से कम एक व्यक्ति जरूर विश्वास करेगा वो देखने के बाद। आइए इस बारे में सोचें, अगर परमेश्वर मुझे अभी हाथ पांव दे दे तो आप आश्चर्य से कहोगे वाह। हम हमेशा के लिए बदल जाएंगे, है ना? तो मेरे पास ये अजीब योजना थी कि मैं दौड़ कर जाऊं और परमेश्वर से पूछूं कि ये योजना कैसी है। मैंने कहा, मुझे हाथ और पैर दे दो, मैं टीवी पर जाऊंगा और ओपरा विनफ्री शो में भी जाऊंगा, मतलब कि मैं कुछ भी करूंगा। आपके लिए मैं अपना स्कूल छोड़ू जो सुनने में अच्छा लगता है, सेवकाई करने के लिए जाना, दुनिया के छोर तक जाना, बस आपके लिए जाना। उसने उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, प्रभु ये तो अच्छा विचार है, मैंने सोचा ये जरूर आपकी इच्छा होनी चाहिए। कुछ नहीं। अगर इस कहानी को छोटा करूं तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, नीक तुझे सच में हाथ और पैर क्यों चाहिए? मैंने कहा, प्रभु आप पागल हो गए हो। अब जब मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझसे बात करते हैं, इसका मतलब सुनाई देने वाली आवाज नहीं। जब महसूस करेंगे कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं तो आप जान जाते हैं कि वाकई प्रभु से ही है, प्रभु से ही है। और अगर आप नहीं जान पाते तो प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप जान पाए, और इसके लिए आपको प्रभु से मांगते रहना है। उसने पूछा कि क्यों तुम्हें हाथ पैर चाहिए? मैंने कहा, प्रभु मैं पागल हो जाऊंगा अगर मेरे हाथ पैर होंगे, मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे, मुझे अपनी पत्नी से प्यार जताने में कोई मुश्किल नहीं होगी, सच में मुश्किल नहीं। लेकिन प्रभु सच में मुझे एक जीवित गवाही बनना है आपके सामर्थ, अनुग्रह और प्रेम की। मुझे दुनिया के छोर तक जाना है, तो जब तुम मुझे हाथ पैर दोगे तो मैं सबको साबित कर सकूंगा कि तुम सच्चे हो, और मैं सारे संसार से कहूंगा कि तुम चाहे कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर उसे जानता है, और अपने समय में वो तुम्हें बाहर निकालेगा। उसके समय में, हमारे समय में नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जो वो हमें सिखाना चाहता है। वही भरोसा हमारे हृदय में होना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि निक तुम्हें ताकत कहां से मिलती है? प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। आप जानते हो इसका क्या अर्थ है? खुशी और आनंद में क्या फर्क है?
खुशी का मतलब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो, आनंद आनंद। परमेश्वर का आनंद ये जानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है और आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन में कठिन समय आते हैं, आपके जीवन में कई तूफान हैं और वो शायद आपके काबू में नहीं है, और परमेश्वर शायद उस तूफान को नहीं रोकेगा, परंतु तूफान समाप्त होने तक संभालेगा। और वो आशा जो मसीह में हमें है, उसी कारण मैं मुस्कुरा कर आपसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और आपसे भी। आप जानना चाहते हो महिमा जो इसमें प्रकट हुई है? मैं ये अंत में बताने वाला था, लेकिन ये इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। मैं पिछले 2 साल में 3 बार अमेरिका जा चुका हूँ, ठीक है, और मैंने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में डबल डिग्री प्राप्त की है। मैं कहीं काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं बहुत लोकप्रिय बनूंगा, एक अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन वक्ता। ओ धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मैं स्कूलों में जा रहा हूँ, पिछले साल और इस साल करीब 40 स्कूलों में बात की है, यानी 2003 में। स्वाभिमान बढ़ाना, ऊंचे ध्येय रखना, कभी ना हारने के बारे में बात करता हूँ। मैंने व्यापार जगत में एक व्यावसायिक वक्ता बनने की ट्रेनिंग अभी इसी साल समाप्त की है। तो अब मेरे सामने 3 प्रकार के दर्शक हैं और ये शुरुआत है। मैं छोटी उम्र में ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पिछले साल एक नया घर खरीदा और परमेश्वर ने मुझे एक बड़े निवेश में आशीषित किया, प्रभु की स्तुति हो। और अब मैं दूसरा घर लेने वाला हूँ और मुझे रियल एस्टेट में दिलचस्पी, दरअसल रियल एस्टेट में नहीं पर स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं और क्या कर रहा हूँ, ओप्रा विनफ्री शो में जा रहा हूँ, प्रभु की स्तुति हो। ये अलग बात है कि वो इसके बारे में अब तक नहीं जानती, सोचता हूँ एक हफ्ते पहले उसे बता दूंगा, पर ये जरूर होगा। पर क्या जानते हो वो अद्भुत आशा जो मसीह यीशु में है? आप जानते हो कि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और वो शायद पूरी ना हो, पर ये अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करो वो पूरी होगी, अगर परमेश्वर की इच्छा है उसके समय में। ये जान लो, परमेश्वर की इच्छा और उसका समय नहीं है तो उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे अनेक लड़कियां अच्छी लगी, हर साल नई लड़की, ये पागलपन है। लगता है कि यहां भी मुझे कुछ लड़कियों से प्रेम है शायद, और मैं सोचता हूं मैं उससे शादी करूं, वो बहुत खूबसूरत दिखती है और मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत खूबसूरत, और उसमें मसीह के लिए एक अद्भुत जोश होगा और जो जरूर सिद्ध होगा, पर मैं रुक नहीं सकता। हंसने की बात यह है कि कुछ समय तक एक लड़की मुझे अच्छी लगती है और फिर दूसरी, और मैं सोचता हूं कि यह क्या हो रहा है, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तेरे समय में तू पत्नी दे, पर मैं इंतजार नहीं कर सकता। पर क्या आप जानते हैं वो अद्भुत बात कि प्रेम में पड़ना कैसा होता है, और हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ अच्छी बातें होती हैं जब तक शादी नहीं होती। सही है, पर मैं सिर्फ अच्छी बातें देखता हूँ, जिससे जो अद्भुत प्रकटीकरण मुझे मिला कि आज तक जितनी भी लड़कियां मुझे अच्छी लगी हैं वो सिर्फ आने वाले कल की झलक है। हेलो, सिर्फ आने वाले कल की झलक है। हेलो हेलो हेलो, कई प्रकार से है, ठीक है। भरोसा करो परमेश्वर पर, हमें क्या हो जाता है, ये मानव स्वभाव है। हर सुबह ऐसा नहीं होता मैं उठकर कहूं कि प्रभु की स्तुति हो, क्या सुंदर सुबह है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं भी आपके समान जीवन जीता हूं। जिन परीक्षाओं में आप पढ़ते हो मैं भी उसमें पढ़ता हूं। मैं हर रोज परमेश्वर को अप्रसन्न करता हूं जैसे आप करते हो। ये प्रभु यीशु का हम पर अनुग्रह है जो हमारे पापों के लिए मरा, जिससे हम बचाए गए हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम और उसकी दी गई सेवकाई से अलग करे। मैं एक प्रोत्साहन वक्ता हूं और बच्चों को ऊंचा ध्येय रखने को सिखाता हूं। क्या आप जानते हैं कि मसीही होने के नाते हमें हम आज का सपना देखने वाले होने चाहिए? क्यों क्यों? फिलिपियों अध्याय 4:13, यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। सब कुछ, कोई भी कार्य पूरा करने के लिए, कोई भी कार्य। हाँ, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आपका सपना कितना बड़ा है, आपका सपना कितना बड़ा है,
अगले सप्ताह आपकी सेवकाई कितनी बड़ी होगी? कितनी बड़ी? 10 साल बाद 20 साल बाद? जब हम सेवकाई की शुरुआत करते हैं, हम दो बातें गलत करते हैं। सबसे पहले, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सपना और लक्ष्य एक वक्ता बनना है, अब हम देखना है कि मैं किस प्रकार का वक्ता हूँ। अगर मैं 10,000 लोगों के सामने घबरा जाता हूँ, या मैं पृथ्वी के दूसरे छोर तक यात्रा करता हूँ, सही सोचे तो ठीक है। अगर मैंने अच्छी तरह समझाया तो आप समझते हो, यही हम करते हैं। देखने के लिए हम कितनी दूर जा सकते हैं, हमारी काबिलियत कितनी है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं। आपकी सेवकाई में अगर आपको सामर्थ्य देखना है तो आज से अपनी काबिलियत पर ध्यान न दें, पर आपकी उपस्थिति पर ध्यान दें। जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को उपस्थित रखते हो कि वो आपके द्वारा अलग अलग सेवकाई से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, तो सोचो क्या होगा, सोचो क्या हो सकता है। मैं आपको कुछ बेहतरीन बातें बताऊंगा जो होंगी, क्योंकि वो मेरे साथ हो रही हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। और दूसरी बात जो हम सेवकाई में गलत करते हैं वो ये है कि मैं सेवकाई करने वालों को काफी ऊंचे स्तर पर देखता था, क्योंकि वो दुनिया के कोने कोने तक जाते थे जहां बीमारियां और गंदगी होती हैं, फिर भी वे कार्य करते हैं और वे इसके द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। तो मेरी सूची ये है, मेरी सूची में सबसे ऊपर सेवकाई करने वाले हैं, फिर प्रचारक और फिर संडे स्कूल टीचर, फिर आप जानते हो दादी और बच्चे सभी क्रम में। देखो वो गलत है, परंतु अनजाने में हम गलती कर बैठते हैं। ये कितना गलत है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें सेवकाई में कुछ करने बुलाया है तो आप अपने पूर्ण हृदय से सेवा करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी सेवकाई को मूल्य देगा, और इतनी हद तक मूल्य देगा जिसकी कोई सीमा नहीं। आप जानते हो सेवकाई क्या होती है? एक अजनबी को मुस्कुराना, प्रेम। कुछ लोगों को सेवकाई का दान होता है, कुछ को प्रचार का, कुछ प्रार्थना योद्धा, माँ जैसा प्रेम देना दूसरे बच्चों को, यही नैसर्गिक सेवकाई है। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। सही मार्ग में आने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमें हमारी सेवकाई में रहने की याद दिलाता है। जब आप निराशा में सोचते हैं कि अब क्या होगा, प्रभु आप कहां हो, कभी कभी आप समझते हैं कि आप परमेश्वर से कितने दूर हो गए हैं, और कभी महसूस होता है कि आप परमेश्वर के मन में आखिरी व्यक्ति हो, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था इसलिए मेरे सामने ये चुनौती आई कि मैं कुछ गलत कर बैठता था और आखिर में जाकर क्षमा मांगता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं संत याकूब बन जाता था। मैं जानता था कि मुझे क्षमा मिल चुकी है, मुझे ये भरोसा था, और दूसरे दिन सोचो नीक वही कार्य फिर करता था। शैतान मुझसे कहता था, क्या तुम परमेश्वर के संबंध के बारे में गंभीर हो? क्या प्रभु तुम्हारे जीवन का प्रेम है? परमेश्वर तुमसे ये नहीं सुनना चाहता, तुम उसे पहले ही नाखुश करके गाली दे चुके हो, वो झूठ है। जब तक हम धर्म के भूखे प्यासे रहेंगे, कोई भी परमेश्वर और हमारे संबंध को नहीं तोड़ सकता। क्यों वो ऐसी स्थिति बनाकर हमें चुनौती देता है? क्यों वो बार बार हमें चुनौती देता रहता है? पहली बात हम याद रखें कि हम उसके बिना कुछ नहीं हैं, और दूसरी बात कि हम दूसरों की मदद करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। यही कारण है, ये हमारी अच्छाई के लिए है, ये महिमा है, यही महिमा है। आप जानते हो, अद्भुत, मेरा सपना, मैं यहां खड़ा होकर यह कह सकता हूं कि बड़ा सपना देखो, पर कितना बड़ा सपना देखेंगे? हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है? कभी कभी हम परमेश्वर को छोटे बक्से में डाल देते हैं। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है? आप जानते हो कि हम परमेश्वर को बक्से में डाल देते हैं और कहते हैं ये समस्या बड़ी है और ये छोटी है। हम प्रभु को बक्से में डाल देते हैं। आप जानते हो कि हमेशा वो अपना सर बाहर निकाल कर कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। वो खुद बक्से के बाहर कभी नहीं आएगा। आपको उसे उस बक्से से बाहर निकालना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं मेरे परमेश्वर को बड़ा देखता हूँ, वैसा आप भी देखो, क्योंकि वो बड़ा है। मैंने स्कूल में बच्चों से पूछा कि तुम्हें ब्लैंक चेक की अद्भुत बात पता है? हेलो तुम जितनी चाहे उतनी रकम लिख सकते हो। तो बच्चों से पूछा कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं $10,00,000 लूंगा। ओके, ज्यादा? क्या? ओके, कहता है $550, सॉरी $555 करोड़। मैंने कहा नहीं, और आखिर में किसी ने कहा